सर्वदलीय बैठक हुई कल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला और हास्यास्पद बात है कि आपने एक संसद का सत्र बुलाया। चलिए, उस संसद के सत्र के विषय में आपने पहले नहीं बताया, आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस सर्वदलीय बैठक में भी आपने ये नहीं बताया कि किन विषयों के ऊपर चर्चा होनी है। खाली सरकार ने एक बात कही कि इस संसद के सत्र में 8 मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। अब वो 8 मुद्दे क्या होंगे, बिल के स्वरूप में आएंगे या चर्चा के लिए सिर्फ आएंगे, क्या क्या बात करना चाहती है सरकार, क्या उसका हिडन एजेंडा है, कुछ नहीं पता। मतलब सारे लोग हैरान थे इस बात से कि आप कल से संसद का सत्र शुरू करने जा रहे हैं और आपने सांसदों को, जो संसदीय दल के नेता हैं, उनको आपने ये बताने की भी जरूरत महसूस नहीं की कि किन मुद्दों पे आप चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो वहां पर बाकी पार्टियां थी विपक्ष की, उन्होंने सरकार से कुछ मांगे उठाई और ये कहा कि महिला आरक्षण का बिल पास होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, मणिपुर और मेवात के विषय में चर्चा होनी चाहिए, अडानी का मामला हो या CAG की रिपोर्ट हो, इन तमाम मुद्दों पे सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। और हमारे जवान जिस तरीके से अनंतनाग में आतंकवादी घटना में शहीद हुए, उसका भी मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठाया गया, महंगाई का मुद्दा उठाया गया। तो ये तमाम मुद्दे थे। आम आदमी पार्टी की ओर से हमने ये सारे मुद्दे उठाए। इसके साथ साथ पंजाब में जो रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जा रहा, 4,000 करोड़ रुपए, उसका मुद्दा उठाया। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए, इसका मुद्दा उठाया गया। तो ये तमाम मुद्दे थे जो आज उठाए गए। और मैं सभी पार्टियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ विपक्ष की, कि सब ने एक स्वर में मुझे और राघव को बहाल करने का भी मुद्दा उठाया कि ये सस्पेंशन कितना लंबा आप खींचेंगे, कब तक आप सस्पेंड रखेंगे 2 सांसदों को, और जब नई संसद के अंदर आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसे ऐतिहासिक पल से संजय सिंह और राघव चड्ढा को वंचित न रखा जाए। ये बातें सारे सभी दलों ने, लगभग सारे दलों ने, एजेंडा ना होने की स्थिति में पहले भी इंडिया गठबंधन की ओर से अपने कुछ एजेंडे प्रस्तावित किए गए थे, आप लोगों की ओर से मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जो आप अपनी तरफ से? मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त मणिपुर और मेवात का है। इसके अलावा CAG की रिपोर्ट आई है पिछले दिनों, अडानी का मामला है, अनंतनाग की घटना हुई है, महंगाई आसमान पे है, ये तमाम विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। जाति जनगणना का मुद्दा है, महिला आरक्षण का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो और सरकार इस पर कुछ सार्थक कदम उठाए, कुछ भरोसा इस देश के लोगों को दे। सरकार लगातार कहती रही है कि 370 हटाने के बाद घाटी की परिस्थिति चेंज होगी। कैसे चेंज? विपक्ष की तरफ से आप मुझे बताइए ना, कैसे चेंज होगी? पुलवामा की घटना हुई, उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसके बाद से लेकर लगातार तमाम घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, कभी हमारे जवानों के टेंट के ऊपर हमला होता है, कभी उनके गाड़ियों पे हमला होता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त जब हमारे पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हुए, और अभी जब हमारे 4 जवान शहीद हुए, एक आर्मी का डॉग शहीद हुआ, उसने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। आप मुझे बताइए, कर्नल मनप्रीत सिंह जिसकी 3 पीढ़ी सेना में है, 3 दादा थे, तीनों के तीनों सेना में, पिता सेना में, बेटा सेना में, और ऐसे जाबाज अफसर की शहादत हो गई। मेजर आशीष, 3 बहनों के बीच में एक भाई, शहीद हो गए। DSP हुमायूं भट्ट, 2 महीने की बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़ के दुनिया से चले गए, उन्होंने अपनी शहादत दी।
राइफलमैन रवि कुमार, 13 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने देश के लिए शहादत दी और प्रधानमंत्री जी G20 का जश्न और जुलूस मना रहे हैं और उसके बाद एक संवेदना के शब्द नहीं बोल रहे हैं। किससे डर लग रहा है प्रधानमंत्री जी को, क्या मजबूरी है उनकी? मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, आप पूरे देश में चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, आपको चिंता नहीं है कि आपके देश के हिस्से में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? आज रक्षा मंत्री जी ने बताया कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है और मोदी जी ने जो उनसे अपेक्षा थी, जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया।